हेलो एवरी वन माई सेल्फ विकास टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर ऑफ डाइस तो बेटा आज हम डाइस को स्टार्ट कर रहे हैं डाइस है वो हमारा क्यूब कह सकते हैं हम इसको या फिर हम स्क्वायर भी कह सकते हैं इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी जैसे हमने क्यूब में देखा था सिक्स सरफेस ट्वेल्व एज एंड एट कॉर्नर्स तो डाइस का जो फिगर है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा क्वेश्चन में आपको थ्री सरफेस गिवन होंगे टॉप सरफेस फ्रंट सरफेस लेफ़्ट सरफेस और यहाँ कुछ ना कुछ आपको नंबर्स गिवन होंगे जैसे कि टू थ्री सिक्स एग्जामिनर हमसे इन नंबर्स के अपोजिट फाइंड आउट करना है हमें जो हिडन सरफेस हैं उसको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए देखिए कि टोटल जो हमारे डाइस में नंबर्स होंगे वो रेंज होगी नंबर्स की वो वन टू सिक्स वेरी करेगी जैसे हमारे छह सरफेस हैं और नंबर्स होंगे या फिर डॉट्स भी हो सकते हैं जैसे आप देखते हैं आप लूडो खेलते हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे डॉट्स भी हो सकते हैं तो इसके अंदर बेटा टोटल जो हमारे केस बनते हैं टोटल डाइस में फोर केस बनते हैं फर्स्ट केस बनेगा ओनली वन पोजिशन गिवन जैसे आप देख रहे हो ये जो केस है ये ओनली वन पोजीशन गिवन का है यहाँ आपको एग्जामिनर एक सिंगल डाइस देगा और वहाँ से आपको अपोजिट नंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकंड केस बनता है ओनली टू पोजीशन गिवन यहाँ आपको एक पोजीशन ना देकर एक डाइस की दो पोजीशन देगा इस टाइप से यहाँ नंबर्स होंगे वन टू फाइव और यहाँ फाइव थ्री सिक्स क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वही नंबर शो करेंगे जब हम डाइस को सेकेंड टाइम रोल करेंगे तो जो नंबर्स हैं वो चेंज होंगे तो आपका ये टू डिफरेंट पोजिशन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड जो टाइप हो बनेगी मोर देन टू पोजिशन मोर देन टू पोजिशन इसमें हमें दो से ज़्यादा पोजिशन देगा थ्री भी हो सकती हैं फोर भी हो सकती हैं फोर से ज़्यादा भी हो सकती हैं और लास्ट टाइप हमारी बनेगी बच्चों ओपन डाइस ओपन डाइस या हम कह सकते हैं अनफोल्डेड डाइस ओपन डाइस में आपको डाइस है उसके छः के छः सरफेस को ओपन होंगे और उसको आपने क्लोज करना है फिर हमें ऑप्शन को वहाँ से सिलेक्ट करना है तो बच्चों लेट्स स्टार्ट टाइप फर्स्ट व्हेन ओनली वन पोजिशन इज़ गिवन केस फर्स्ट वेन ओनली वन और सिंगल पोजिशन इज गिवन तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको सिंगल पोजिशन गिवन होगी तो वहाँ से किसी भी नंबर का अपोजिट पूछेगा तो बच्चों हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो सिंगल पोजिशन है वो कौन सी है स्टैंडर्ड डाइस है जनरल डाइस है इट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस फर्स्ट इज़ स्टैंडर्ड सेकेंड इज जनरल और जनरल ऑल्सो इज नोन एज नॉर्मल तो स्टैंडर्ड होगी और एक जनरल होगी अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे स्टैंडर्ड को देखिए सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू सेवन सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू सेवन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेसिज का सम हमेशा क्या होगा सेवन होगा जैसे देखिए आप ये आपको डाइस गिवन है तो यहाँ जो आपको थ्री सरफेस हैं ए बी, सी यहाँ जो अपोजिट सरफेस है इसका सम सेवन होगा जैसे कि आप मान लीजिए ए टॉप है तो इसका बॉटम क्या होगा जब ए टॉप और बॉटम का सम क्या हो जाएगा सेवन या फिर आपको मान लीजिए नंबर गिवन है टू तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा फाइव क्योंकि फाइव प्लस टू सम क्या हो गया सेवन इन अ स्टैंडर्डाइज और फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा टू अपोजिट ऑफ वन इज सिक्स अपोजिट ऑफ सिक्स इज़ वन अपोजिट ऑफ फोर इज़ थ्री अपोजिट ऑफ थ्री इज़ फोर तो स्टैंडर्ड डाइस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सम ऑफ अपोजिट सर्फेस इज गिव्ज सेवन टू फाइव फाइव टू वन सिक्स फोर थ्री नेक्स्ट जनरल डाइस सम ऑफ एडजेंट सरफेस गिव्स सेवन सम ऑफ अडजसेंट सर्फेस गिव्ज सेवन यहाँ आपको एक डाइस गिवन होगी उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अडजसेंट सरफेस का सम चेक करेंगे सबसे पहले सपोज आपको गिवन है टू फोर थ्री एक डाइस में थ्री सरफेस गिवन है तो आप किसी भी दो सरफेस का एनी टू अडजसेंट सरफेस तीनों का सम नहीं किसी भी दो सरफेस का अडजसेंट है जैसे तीनों ही अडजसेंट हैं दो अडजसेंट सरफेस का सम अगर सेवन हो रहा है तो इट मीन्स वो जनरल डाइस है तो यहाँ आप देख सकते हो कि फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री क्या बन रहा है सेवन बन रहा है इट मीन्स ये कैसी डाइस होगी जनरल डाइस होगी ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा कि डाइस आर ऑफ टू टाइप्स स्टैंडर्ड एंड जनरल स्टैंडर्ड में क्या होगा सम ऑफ अपोजिट सरफेस सेवन एंड जनरल सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस सेवन तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखिए आपके पास फोर डाइस है वन टू थ्री फोर और उस फोर में से आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज़ स्टैंडर्ड एंड विच इज़ जनरल जनरल और स्टैंडर्ड हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने देखा कि जो जनरल डाइस है उसके अडजसेंट सरफेस का सम क्या होगा सेवन तो आप देखिए क्या इसमें किसी दो अडजसेंट का सम सेवन है फोर और टू सिक्स टू वन थ्री फोर वन फाइव नहीं है सेकेंड में चेक करते हैं फाइव और टू क्या बन गया सेवन इट मीन्स ये कैसी डाइस होगी जनरल डाइस क्योंकि अभी हमने देखा था जिस भी दो साथ वाले सरफेस का सम सेवन हो जाएगा वो कौन सी डाइस होगी जनरल डाइस थर्ड फिगर में भी आप देखिए सिक्स प्लस वन क्या बन रहा है सेवन इट मीन्स ये भी कैसी डाइस होगी जनरल डाइस होगी यहाँ आप देखिए किसी भी दो सरफेस का सम, सम सेवन नहीं होगा तो अब बताइए दो जनरल हैं यहाँ जब सेवन सम हो गया तो ये बन गई जनरल तो अब ये कौन सी डाइस होगी ये होगी बच्चों स्टैंडर्ड डाइस और ये भी कैसी होगी स्टैंडर्ड डाइस तो बड़ा ही सिंपल यहाँ डिफरेंस है अगर मैं इसी को सम के बारे में कहूँ तो जिन दो का सम सेवन हो गया वो तो क्या होगी जनरल अगर किसी भी दो सरफेस एडजसेंट सरफेस का सम सेवन हो रहा है तो वो क्या होगी बच्चों जनरल अगर एडजसेंट सरफेस का सेवन एडजसेंट सरफेस का जो सम है वो नॉट इक्वल टू सेवन आया तो वो होगी स्टैंडर्ड सम आपका सात से कम आ जाए या सात से ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है अगर तीन में से किसी भी दो का सम सेवन नहीं आया तो वो होगी स्टैंडर्ड और दो का सम सेवन आ गया तो वो क्या होगी जनरल जैसे यहाँ देखो किसी का भी सम सेवन नहीं आया तो इट मीन्स कैसी है ये स्टैंडर्ड है तो आई होप क्लियर है आप सभी को स्टैंडर्ड और जनरल में क्या डिफरेंस होगा अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चनस हमारे पास थ्री डिफरेंट क्वेश्चन हैं वन बाई वन हम इनको सोल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अपोजिट टू अपोजिट टू थ्री अपोजिट ऑफ थ्री तो यहाँ एक आपको सिंगल पोजिशन गिवन है टाइप फर्स्ट कर रहे हैं हम वन सिंगल पोजिशन इज गिवन तो यहाँ सबसे पहले आप चेक करेंगे विच टाइप ऑफ डाइस इज़ दिस ये कैसी डाइस है स्टैंडर्ड है या जनरल है तो चेक करने के लिए हम एडजसेंट सरफेस का सम चेक करेंगे अगर दो सरफेस का सम सेवन हो गया तो वो हो जाएगी जनरल अगर सेवन नहीं हुआ तो वो होगी स्टैंडर्ड तो यहाँ आप देखिए इन तीन में से किसी भी दो का सम नॉट इक्वल टू सेवन है सेवन नहीं हो रहा इट मीन्स ये डाइस कैसी होगी स्टैंडर्ड डाइस होगी क्लियर है और स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट है उसका सम क्या होगा सेवन सो द अपोजिट ऑफ थ्री इज फोर अब थ्री प्लस फोर सेवन बन जाएगा ना तो थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा फोर और फोर का अपोजिट पूछ ले तो थ्री ऐसे ही अगर आपसे पूछा होता कि टू का अपोजिट क्या होगा तो टू का अपोजिट हो जाएगा बच्चों फाइव आपको स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालने के लिए सेवन में से माइनस करना है ऐसे ही वन का अपोजिट वन का अपोजिट क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन देखिए तो यहाँ भी हम सम चेक करते हैं सिक्स फाइव इलेवन फाइव थ्री एट सिक्स थ्री नाइन किसी भी दो सरफेस का सम नॉट इक्वल टू सेवन है इट मीन्स ये डाइस भी क्या होगी स्टैंडर्ड डाइस होगी तो यहाँ भी अपोजिट का सम क्या हो जाएगा सेवन अब आपसे पूछा है वॉट इज़ द नंबर एट बॉटम सरफेस बॉटम सरफेस पे क्या नंबर होगा अब आपको ये नहीं बोला कि इस नंबर के अपोजिट बताइए ठीक है आपसे पूछा कि जो बॉटम वाला सरफेस है यहां कौन सा नंबर होगा तो बॉटम देखिए किस सरफेस के अपोजिट है तो बॉटम है बच्चों टॉप के अपोजिट और टॉप पे नंबर क्या है सिक्स इट मीन्स वो आपसे सिक्स के अपोजिट पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम क्या होगा सेवन इसीलिए सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्लियर है ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ आपसे पूछा है अपोजिट टू थ्री थ्री का अपोजिट क्या होगा तो सबसे पहले हम सम चेक करेंगे हमने देखा सिक्स और वन क्या बन गया सेवन इट मीन्स ये डाइस कैसी है जनरल डाइस है क्लियर हुआ ये डाइस कैसी है जनरल डाइस है अब जो अपोजिट टू थ्री है थ्री का अपोजिट हम फोर तो कर नहीं सकते क्योंकि थ्री का अपोजिट फोर किस में होगा स्टैंडर्ड डाइस में होगा अपोजिट का सम सेवन किस में होगा स्टैंडर्ड डाइस में होगा ठीक है तो बच्चों जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी बनती है जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो आपको तीनों नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सिक्स वन और फाइव देखिए ये तीनों नंबर्स आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं सिक्स वन फाइव तो ये तीनों नंबर्स कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं एडजसेंट है जैसे यहाँ देखो सिक्स का अपोजिट फाइव थ्री नहीं हो सकता फाइव का अपोजिट सिक्स थ्री नहीं हो सकता थ्री का अपोजिट सिक्स फाइव नहीं हो सकता ये तीनों ही एक दूसरे के एडजसेंट हैं ऐसे ही सिक्स वन फाइव भी क्या है तीनों एक दूसरे के एडजसेंट हैं तो यहाँ से अगर किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ लिया जाए तो इसका अपोजिट क्या होगा जो आपके हिडन सरफेस हैं यहाँ पॉसिबल केस बनेगा जो आपके हिडन नंबर्स हैं वो सभी इन तीनों के अपोजिट हो सकते हैं तो अपोजिट में क्या बनेगा टू आइदर टू फोर और आइदर टू फोर और थ्री क्लियर है तो हमने देखा कि जो सिक्स वन फाइव है जनरल डाइस में आप ध्यान रखेंगे कोई भी एक नंबर फिक्स नहीं होगा वो डिपेंड कई बार करता है आपके ऑप्शन पे तो यहाँ से जो सिक्स फाइव वन है इसके अपोजिट क्या होगा जो आपको हिडन दिखा दिखाई नहीं दे रहे जो हिडन है तो हिडन नंबर्स क्या है टू फोर सिक्स तो जैसे आपसे पूछ ले सिक्स के अपोजिट क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा इन में से कोई भी एक आइदर टू फोर और थ्री ऐसे ही वन के अपोजिट क्या होगा इन तीनों में से कोई भी एक टू फोर और थ्री ऐसे ही फाइव के अपोजिट क्या होगा आइदर टू फोर और थ्री अब आपसे पूछा है थ्री के अपोजिट यानी कि रिवर्स पूछ रहा है तो थ्री के अपोजिट क्या होगा इन तीनों में से कोई एक आदर सिक्स वन और फाइव तो थ्री के अपोजिट क्या होगा आइदर सिक्स वन और फाइव बाकी ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसा दिया हुआ है मान लीजिए आपके पास फोर ऑप्शंस हैं ए बी सी डी और आपके पास ऑप्शंस हैं या फिर यहाँ आपको दे देगा ठीक है आपके पास फोर ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन आइदर सिक्स और वन आइदर फाइव और वन सिक्स फाइव वन फाइव सिक्स तो आपने देखा कि थ्री के अपोजिट क्या होंगे वन फाइव सिक्स तीनों में से कोई एक होगा तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अगर आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दे दे वन फाइव सिक्स कैन नॉट डेटरमाइन ठीक है अब आपको वन फाइव सिक्स तो आप कन्फर्म तो कह ही नहीं सकते ना कि वन होगा या फाइव होगा या सिक्स होगा क्योंकि ये पॉसिबल केस है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी कांट बी डेटरमाइन आई होप क्लियर है तो यहाँ से हमने दो बातें सीखी कि सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड और जनरल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब दो एडजसेंट का सम हमें सेवन मिल गया तो वो जनरल होगी अगर सम सेवन नहीं हुआ तो वो आपकी स्टैंडर्ड होगी और स्टैंडर्ड में अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा सेवन और जनरल में अपोजिट सरफेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें हिडन सरफेस हैं उनमें से कोई भी एक आपका अपोजिट हो सकता है जैसे थ्री का अपोजिट हमने देखा तो थ्री का अपोजिट क्या होगा यहाँ से देखो सिक्स वन और फाइव आई होप क्लियर है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारी स्टूडेंट्स वेन ओनली टू पोजिशंस आर गिवन जब हमें एक डाइस की दो पोजिशन हो तो इसमें भी हमारे तीन केस बनेंगे सबसे पहला केस बनेगा ओनली वन कॉमन सेकेंड केस बनेगा ओनली टू कॉमन और थर्ड केस बनेगा बच्चों नो सरफेस कॉमन तो फर्स्ट देखिए ओनली वन कॉमन तो आपको यहाँ पर दो पोजिशंस गिवन होंगी वन टू तो दो पोजीशंस में क्या होगा आपको ओनली वन कॉमन मिलेगा जैसे फोर फाइव सिक्स फोर टू थ्री तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो कॉमन है दो पोजीशन में वो क्या है फोर तो ये केस क्या बना वन ओनली वन कॉमन वैन ओनली वन सरफेस इज कॉमन इन टू पोजिशंस सेकेंड हमारा जो केस बनेगा ओनली टू कॉमन डाइस को बेटा बनाना सीख लो फोर टू सिक्स टू फाइव सिक्स तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको वैन ओनली टू सरफेस कॉमन है दो डिफरेंट पोजिशन में सॉरी टू और सिक्स कॉमन है वैन ओनली टू सरफेस कॉमन और जो थर्ड केस हमारा बनेगा नो सरफेस कॉमन थर्ड केस में आप देखो कोई भी सरफेस आपको कॉमन नहीं मिलेगा कोई नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेगा तो टू पोजीशन वाले केस में बेटा तीन केस बनते हैं सबसे पहला व्हेन देर इज ओनली वन सरफेस कॉमन जैसा आप यहां देखोगे वन सरफेस फोर कॉमन है दूसरा केस बनता है वन ओनली टू सरफेस कॉमन जैसे आपने यहाँ देखा टू सिक्स टू सिक्स और तीसरा केस बनता है वैन नो सरफेस कॉमन जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो लेस्ट लेट स्टार्ट टाइप फर्स्ट केस वन में आपको दिया हुआ है ओनली वन कॉमन में आपको टू डिफरेंट पोजिशन है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि कॉमन सरफेस क्या है तो बच्चों आप देखेंगे कॉमन सरफेस क्या है दोनों में फोर है अब आपसे एग्जामिनर किसी भी सरफेस का अपोजिट पूछ सकता है थ्री का अपोजिट क्या होगा फाइव का अपोजिट टू का अपोजिट तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो जब भी हमारा एक सरफेस कॉमन हो सबसे पहले हमने जो कॉमन नंबर्स हैं दोनों ही पोजिशन के उसको लिखना है ऊपर नीचे ऐसे जैसे हमने फर्स्ट पोजिशन लिखा यहाँ सेकेंड पोजिशन लिखा तो कॉमन नंबर्स को हमने सबसे पहले लिखना है आपने देखा कॉमन क्या है दोनों में फोर तो हमने लिख लिया फ़ोर अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में जो कॉमन नंबर है वहाँ से नंबर्स को क्लोकवाइज़ लगाएंगे, वहाँ से नंबर्स को क्लोकवाइज लगाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन में फोर से क्लोकवाइज़ फोर से क्लोकवाइज़ क्या हो जाएगा सिक्स क्लियर है सबसे पहले फोर लिखा कॉमन नंबर अब फोर से क्लोकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में क्या हो जाएगा सिक्स और सिक्स से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा टू क्लियर तो फोर से हमने स्टार्ट किया फोर फोर सिक्स टू सेम ऐसे ही हम जो सेकंड पोजीशन है वहाँ से भी जो कॉमन नंबर है इससे क्लॉकवाइज लगाएंगे फोर फाइव थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव थ्री क्लियर हमने क्या किया सिंपल किया कि सबसे पहले कॉमन नंबर को लिखा फोर और जो कॉमन नंबर है वहाँ से क्लॉकवाइज हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट पोजीशन में देखिए फोर सिक्स टू फोर सिक्स टू सेकेंड में फोर फाइव थ्री फोर फाइव थ्री ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ से जो आपको जो ये नंबर्स मिलेंगे ये आपके अपोज़िट होंगे ये सरफेस क्या होंगे अपोजिट होंगे टू एंड थ्री आर अपोजिट टू ईच अदर दो और तीन एक दूसरे के अपोज़िट होंगे सेम सिक्स एंड फाइव आर अपोजिट टू ईच अदर एंड द अपोजिट ऑफ फोर इज़ फोर अब आप बताओ फोर का अपोजिट फोर हो सकता है नहीं हो सकता एक ही नंबर सेम नंबर अपोजिट नहीं होगा तो क्वेश्चन ये बना फोर का अपोजिट क्या होगा तो बच्चों आप देखोगे कि, कि जो डाइस है वहाँ वन टू सिक्स में वन टू सिक्स में मिसिंग क्या है तो बच्चों मिसिंग है वन यानी कि फोर का अपोजिट क्या होगा वन होगा क्लियर है तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने कॉमन नंबर्स को लिखा फोर उसके बाद पोजिशन वन में क्लॉक वाइज और पोजिशन टू में फोर अब जो नंबर्स आपको वर्टिकली मिलेंगे ये सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे अपोजिट ऑफ फोर इज वन सिक्स फाइव फाइव सिक्स टू थ्री थ्री टू अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर दे सकते हैं एक क्वेश्चन और देखिए आपको टू डिफरेंट पोजीशन गिवन है और यहाँ आपके पास नंबर्स है ठीक है डॉट्स गिवन है आपकी बार तो यहाँ सबसे पहले हम कॉमन सरफेस चेक करेंगे तो आप कॉमन सरफेस देखिए दोनों में क्या है थ्री है दोनों में क्या है थ्री डॉट्स है ना यहाँ भी तो एक कॉमन हो गया तो आपने देखा पोजिशन वन पोजिशन टू सबसे पहले आपने लिख लिया थ्री पोजिशन वन में थ्री से पोजिशन वन में थ्री से क्लोकवाइज लगाओ टू और फिर वन थ्री टू वन ऐसे ही सेकेंड में थ्री फाइव फोर थ्री फाइव फोर तो आप देखेंगे अपोजिट ऑफ वन इज़ फोर फोर इज़ वन टू एंड फाइव आर अपोजिट टू इच अदर सेम दी अपोजिट ऑफ थ्री मिसिंग देख लो पूरे में क्या है सिक्स है ना तो थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ टू गिवन गीवें डाइस की और उसके बिहाब पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो सबसे पहले जो हम करते आए हैं कि हम यहाँ कॉमन सरफेस को चेक करेंगे तो कॉमन सरफेस आपने देखा हो जाएगा सिक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपोजिट्स नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा दोनों पोजिशन का सिक्स और यहाँ सिक्स से क्लोकवाइज सिक्स फोर फाइव सेकेंड केस में क्लोकवाइज लीजिए सिक्स वन थ्री ठीक है फाइव थ्री अपोजिट हो गए फोर वन अपोजिट हो गए और सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों टू हो जाएगा क्लियर तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करेंगे यहाँ आप देखिए जो वन और फोर है वन और फोर दोनों नंबर्स कैसे हैं अपोजिट हैं और यहाँ आपको दोनों ही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर जो दो सरफेस अपोजिट होंगे वो कभी भी एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगे और सेम वी कैन से डेट टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देंगे और दो अपोजिट सरफेस एक साथ हिडन भी नहीं होंगे दोनों में से इस जो पेयर है ना इसमें से हर बार कोई ना कोई एक जरूर दिखाई देगा आपको इसीलिए हमारा फर्स्ट केस क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ वन और फोर क्या आ रहे हैं एक साथ आ रहे हैं एडजेसेंट आ रहे हैं जबकि यहाँ पे क्या है अपोजिट है सेम आप चेक कीजिए सेकंड केस में फाइव और थ्री एडजेसेंट है और यहाँ आप देखोगे तो फाइव और थ्री क्या है अपोजिट तो ये भी पॉसिबल नहीं है थर्ड केस को आप देखिए कि सिक्स और टू सिक्स और टू एडजेसेंट है और यहाँ पे सिक्स और टू क्या है अपोजिट तो थर्ड केस भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा फोर्थ केस को चेक कीजिए वन वन के अपोजिट क्या है फोर तो वन के अपोजिट हो जाएगा फोर फाइव फाइव के अपोजिट थ्री फ्रंट में फाइव है पीछे थ्री हो गया सिक्स के अपोजिट टू सिक्स टॉप में है तो बॉटम में क्या हो जाएगा टू यानी कि हमारा फोर्थ केस पॉसिबल है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ आपको टू पोजीशन गिवन है और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है फिर ऑप्शनस है अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे फोर फाइव वन टू में से क्या नंबर आएगा तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन सरफेस को चेक करेंगे जैसा हम करते आए हैं तो कॉमन हो जाएगा हमारा फाइव अब हमें नंबर्स के अपोजिट निकालना पड़ेगा तो फाइव से क्लोक वाइज वन थ्री और यहाँ फाइव के अपोजिट सिक्स फोर तो बच्चों हमने देखा अपोजिट ऑफ थ्री इज़ फोर वन इज सिक्स एंड फाइव इज टू क्लियर है तो यहाँ देखिए आप अब टू का अपोजिट टू का अपोजिट क्या होगा फाइव टू अगर यहाँ आपका लेफ्ट साइड में है तो फाइव हो जाएगा राइट right साइड में अब आपको आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करोगे जैसे आपने देखा टू का अपोजिट फाइव आ रहा है टू और फाइव अपोजिट है तो फाइव यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह तो हो नहीं सकता अगर दो के अपोजिट है फाइव तो फाइव यहाँ दोबारा तो आ नहीं सकता इसीलिए फाइव आपका कैंसिल हो गया ठीक है अब आप देखो कि थ्री के अपोजिट क्या है थ्री के अपोजिट है फोर थ्री है टॉप में बॉटम में क्या हो जाएगा फोर तो थ्री और फोर अपोजिट है तो ये फोर भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्लियर है और जो फोर्थ ऑप्शन है टू ये भी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि टू और फाइव दोनों ही अपोजिट हैं अब टू आ चुका है तो ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोबारा आएगा इसीलिए ये भी कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या बचा बच्चों कि वन और सिक्स में से कोई हमारा एक आंसर आएगा वन और सिक्स में या तो वन आएगा या सिक्स आएगा अब आप ऑप्शन को चेक करो तो हमारा ऑप्शन क्या है वन इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा वन ठीक है अब यह दोबारा से इस केस को देखिए मान लो जैसे हमने कहा कि वन और सिक्स में से कोई एक आएगा अब यहां ऑप्शन में सिक्स तो था नहीं वन था तो हमने वन को टिक कर दिया अब मान लो ऑप्शन में अगर दोनों हो जैसे इस क्वेश्चन को देखो यहाँ हम कॉमन देखे क्या आएगा सिक्स तो सिक्स से क्लॉकवाइज टू थ्री और यहाँ सिक्स से क्लॉकवाइज फाइव वन थ्री वन अपोजिट टू फाइव अपोजिट अपोजिट ऑफ सिक्स इज फोर ठीक है टू का अपोजिट क्या होगा टू का अपोजिट फाइव यानी कि बॉटम में हो जाएगा फाइव टू और फाइव अपोजिट है तो क्वेश्चन मार्क की जगह टू और फाइव तो हो नहीं सकते तो जहाँ टू और फाइव है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो नेक्स्ट देखिए थ्री थ्री का अपोजिट हो गया वन थ्री का अपोजिट वन तो थ्री और फाइव अगर ऑप्शन में है तो उसको एलिमिनेट कर दो अब आपके पास बच गया कि जो ऑप्शन है उसमें से फोर और सिक्स फोर के अपोजिट क्या होगा सिक्स यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे या तो फोर आएगा या सिक्स आएगा तो अब हम इसको चेक कैसे करें कि फोर आना चाहिए या फिर सिक्स आना चाहिए तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए आप केस वन को देखो जो केस वन है वो केस थ्री की तरह बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे क्या है थ्री टू यहाँ भी क्या है थ्री टू है जैसे केस वन में आप देखोगे तो जो दो सरफेस हैं थ्री टू वही थ्री टू यहाँ पर है यहाँ सिक्स दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो देखिए अब आपको देखना है कि वन और थ्री सेम है भी या नहीं तो इसको आप कैसे देखोगे आप कहोगे सर टू थ्री यहाँ है टू थ्री यहाँ तो सिक्स है तो सिक्स आ जाएगा तो बेटा ऐसा नहीं है अगर यहाँ सिक्स आएगा तो आपको देखना पड़ेगा टू और थ्री की पोजीशन इट मीन्स आप देखोगे कि डायरेक्शन को चेक करोगे सबसे पहले जो टू से थ्री चेक करो या थ्री से टू चेक करो डायरेक्शन चेक करो दोनों केस की जो टू से थ्री है डायरेक्शन है अगर वो सेम है तो हमारा आंसर क्या आएगा सिक्स आएगा अगर टू से थ्री की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो यहाँ जो नंबर आएगा वो सिक्स का अपोजिट आएगा इस तरफ वाला नंबर आएगा क्लियर है तो हम डायरेक्शन चेक करते हैं या तो आप टू से थ्री की डायरेक्शन चेक करो या फिर आप थ्री से टू की डायरेक्शन चेक करो तो यहाँ हम देखते हैं कि टू से थ्री की जो डायरेक्शन है वो क्लोक है या एंटी क्लोक देखो टू से थ्री की जो डायरेक्शन है वो यहाँ है बच्चों क्लोक वाइज टू से थ्री की डायरेक्शन क्या है क्लोक बट यहाँ जब आप टू से थ्री की डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ आपको कैसी डायरेक्शन मिलेगी एंटी क्लोक क्लियर यहाँ आपने इस टू से थ्री की डायरेक्शन चेक की तो कैसी है क्लोक और जब यहाँ आप टू से थ्री की डायरेक्शन चेक करोगे तो कैसी है एंटी क्लोक तो मैंने आपको बताया था जब दोनों में डायरेक्शन सेम है तो जो नंबर यहाँ है वही नंबर आएगा लेकिन डायरेक्शन हो गई हमारी अपोजिट इट मींस आंसर क्या आएगा सिक्स का अपोजिट तो सिक्स का अपोजिट क्या होगा बच्चों फोर तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्लियर है अगर यहां आपका क्वेश्चन में ऐसा होता टू थ्री क्वेश्चन मार्क ठीक है मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन चेक करेंगे टू से थ्री टू से थ्री की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज़ अब यहाँ भी टू से थ्री की डायरेक्शन देखो टू से थ्री की डायरेक्शन यहाँ भी क्या है अब क्लोक है दोनों में डायरेक्शन क्या हो गई सेम हो गई तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर जो नंबर है सिक्स वो बिल्कुल सेम आएगा इस केस में यहाँ नंबर क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा आई होप स्टूडेंट्स आपको जो हमने ओनली टू पोजिशन का फर्स्ट केस किया वेन ओनली वन सरफेस इज़ कॉमन ये क्लियर है और एक बात का ध्यान रखना यहाँ ज़रूरी नहीं है हर बार नंबर्स हो यहाँ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं ए बी सी डी ई e, एफ यहाँ पर कोई सिंबल भी हो सकता है हैस एट द रेट परसेंटेज बस आपने चेक करना है कि कोई भी जो एक सरफेस कॉमन है उसको आप वहाँ से उठा लो अगर क्वेश्चन मार्क वाला कोई क्वेश्चन आ गया इस टाइप का तो यहाँ से आप बस तरीका वही है कि यहाँ पे अपोजिट सरफेस निकालो और फिर उसमें यहाँ से डायरेक्शन चेक करो दोनों में क्लॉकवाइज है या फिर अपोजिट है मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में